हेलो फ्रेंड्स, आपको मेरे चैनल क्वीन ऑफ फूड में फिर से स्वागत है। तो आज हम बनाएंगे ढेर सारे लच्छों के साथ लच्छा पराठा। ये लच्छा पराठा हम आटे से बनाएंगे। आप चाहें तो मैदा से भी बना सकते हैं या फिर मिक्स करके बना सकते हैं। तो हम थोड़ा सा मिक्स करके बनाएंगे, लेकिन आटा ज़्यादा डालेंगे। तो देखिए कैसे बना रहे हैं। तो सबसे पहले हम 4 कप ले लेंगे यहाँ आटा, और उसमें 1 कप करीब ले लेंगे मैदा, और इसमें देखिए मिक्स कर लेंगे। और अब हम इसमें नमक डाल देंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग। और अब हम थोड़ा सा यूनिक बना रहे हैं, तो इसमें थोड़ा सा ड्राई ईस्ट डालेंगे। आपके पास अगर ड्राई ईस्ट नहीं है तो आप दही डाल सकते हैं, आप नॉर्मल भी बना सकते हैं। और इसमें थोड़ा सा चीनी डालेंगे, और ज़्यादा नहीं, 1 चम्मच करीब। और उसमें अब ऑयल डाल देंगे, करीब 4 चम्मच ऑयल या घी, आप कुछ भी यूज़ कीजिए। डाल करके मिला लेंगे अच्छे से। और अब मैं थोड़ा सा अजवाइन डाल दूँगी इसमें। ये अजवाइन भी आप स्किप कर सकते हैं, आपको अगर पसंद है तो डालिए, नहीं तो मत डालिए। और अब हम दही डालेंगे। आप इसमें दही ईस्ट दोनों स्किप कर सकते हैं, नॉर्मल भी बना सकते हैं। तो मैं थोड़ा सा अलग बना रही हूँ, थोड़ा सा पफ़ी वाला पराठा चाहिए मेरे को इसीलिए। और देखिए दही में मैं थोड़ा सा पानी डाल दी थी, और पानी डाल करके उसमें देखिए मिक्स कर लेंगे, आटे को गूँथ लेंगे अच्छे से। गूँथ के हम ढक करके रख देंगे करीब 15 मिनट। अब देखिए 15 मिनट बाद थोड़ा सा आटा फूल गया है, और इसे भी थोड़ा सा हम मसल लेंगे। और अब हम लोई बना लेंगे और उसे बेलेंगे। ये हम बड़ा बड़ा करके रोटी से थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा करके बेल लेंगे। आप चाहें तो आटे में सिर्फ नमक और तेल डाल करके गूंथ करके लच्छा पराठा बना सकते हैं। तो अब देखिए हम बेल लिए हैं, अब उसमें ऑयल लगा लेंगे और उसमें आटा छिड़क देंगे ऊपर से, और आटे को भी अच्छा से उसमें मिला लेंगे। यहाँ हम आपको 2 तरह का बना करके दिखाएंगे। तो देखिए सबसे पहला वाला, हम पहले प्लीट्स बना लेंगे इसका, एक के ऊपर एक फोल्ड करके अच्छे से प्लेट्स बना करके उसमें ऊपर से फिर से ऑयल लगा करके थोड़ा सा सूखा आटा डालते जाइए। इस तरह से अच्छे से प्लेट्स को दबा दबा करके बनाइए। अब देखिए प्लेट्स बन गए हैं, और हम लोग अभी फोल्ड करेंगे उसको अच्छे से। और लास्ट का जो छोर है उसको हम लोग नीचे तरफ दबा देंगे ताकि पराठा खुले नहीं। अब देखिए थोड़ा सा दबा लेंगे, और सूखा आटा डाल करके अब हम लोग बेल लेंगे। बहुत ज़्यादा दबा करके मत बेलिएगा, हल्के हाथ से बेलेंगे। तो देखिए ये पहला एक स्टेप हो चुका है, पहला वाला पराठा। अब हम लोग दूसरे तरह का देखेंगे किस तरह से बना सकते हैं। उसके लिए भी सेम प्रोसेस, लोई को हम आटा लगा करके बेल लेंगे रोटी जैसा, रोटी से सॉरी थोड़ा बड़ा। देखिए बड़ा बड़ा हम बेल लेंगे इस तरह से, एक बेल करके हम रख लेंगे और दूसरा हम बेल लेंगे। 2 रोटी बनाएंगे, और उसमें क्या करेंगे, पहले वही प्रोसेस, ऑयल लगाना है और उसके ऊपर सूखा आटा छिड़कना है। सूखा आटा को भी अच्छे से उसमें मिक्स कर लेंगे, और देखिए उसके ऊपर और एक रोटी डाल देंगे, और उसे थोड़ा सा हल्के हाथ से दबा लेंगे और उसे काट लेंगे। देखिए आप इस तरह से निमकी बनाते हैं तो काटते हैं ना उसी तरह, लेकिन ये बड़ा बड़ा काटना है। और अब उसके ऊपर भी ऑयल लगा करके हम सूखा आटा डालेंगे, और फिर उसे फोल्ड करेंगे। एक फोल्ड करके अब फिर दूसरे के ऊपर डाल करके उसे फिर फोल्ड करेंगे। इसी तरह से हम सारा फोल्ड कर लेंगे। देखिए इस तरह से काट करके बनाने से लच्छा पराठा अच्छे से लच्छे दिखते हैं। अब देखिए हम बीच में इसे काट लेंगे, और देखिए ये 2 पराठा बन जाएगा। अब हम उसी तरह उसे थोड़ा सा दबा लेंगे और सूखा आटा डाल करके फिर अच्छे से बेल लेंगे। इसमें देखिएगा उसकी परत अच्छे से दिखेंगे।
देखिए बेल लिए और अब हम पराठे को तवे में सेक लेंगे। उससे पहले तवा को गर्म करके उसमें थोड़ा सा ऑयल ग्रीस कर लेंगे और अब हम पराठा डाल देंगे जो पहले बनाए थे उसको। एक तरफ से पराठे को सेक के दूसरी तरफ पलट देंगे और अब हम उसमें ऑयल लगा लेंगे। बहुत ज़्यादा ऑयल नहीं डालेंगे, हम कम ऑयल में बनाएंगे। आप घी भी डाल सकते हैं। एक तरफ से लगा करके ऑयल, दूसरी तरफ भी हम पलट करके लगा लेंगे। आप अगर ब्रश यूज़ करेंगे ऑयल लगाने के लिए तो उसका एक ही फ़ायदा है कि आप उसमें कम ऑयल डाल करके बना सकते हैं, ज़्यादा ऑयल ज़रूरत नहीं है। जिन्हें ज़्यादा ऑयल खाना है या फिर ज़्यादा घी पसंद है तो आप ज़्यादा डालिए। तो देखिए ये हो गया है पहला। अब सेकंड हम बनाएंगे जो काट करके बनाए थे। देखिए अभी से परत दिख रहे हैं। अब देखिए एक तरफ सेक करके दूसरी तरफ पलट के हम फिर वही ऑयल लगा लेंगे। आप इसमें देख सकते हैं अच्छे से लेयर दिख रहे होंगे पराठे का। अब फिर वही दोनों तरफ ऑयल लगा लेंगे और अच्छे से सेक लेंगे पराठे को। आप दोनों तरह से पराठे बना सकते हैं। तो देखिए पराठा सीख गया है और लेयर भी कितने अच्छे से दिख रहा है। तो रेडी है हमारा आटे का लच्छा पराठा। देखिए हम सारे पराठे सेक लिए हैं और आपको दिखेगा सब पराठों में लेयर अच्छे से। देखिए कितने सॉफ्ट बने हैं पराठे। तो आप भी घर में ज़रूर बनाइए इस तरह से। आप गर्मा गर्म पराठा किसी के साथ भी सर्व कीजिए और खाइए। और अगर आपको ये रेसिपी पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।